नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 10 सितंबर 2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में, सूर्य सिंह राशि में, बुध और मंगल कन्या राशि में, शुक्र और चंद्रमा तुला राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, शनि मकर राशि में और बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है। ग्रहों की स्थिति पहले से काफी बेहतर चल रही है। शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन तुला राशि में एक बहुत अच्छा योग, इस योग को कहेंगे काल पुरुष के सप्तम भाव में ये योग बना हुआ है। पंचम भाव में स्वग्रही सूर्य, खष्ट भाव में मंगल और बुध का एक साथ होना, कुल मिलाकर के अच्छा चल रहा है। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य मध्यम है लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से, प्रेम के दृष्टिकोण से अद्भुत समय। जो अविवाहित हैं उनके शादी ब्याह तय होने का संकेत है। जो विवाहित हैं और किसी परेशानी, वैवाहिक परेशानी में चल रहे हैं, उसमें समझौता होने का संकेत है। एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही। मां काली को प्रणाम करते रहें और अच्छा होगा। वृषभ राशि, शत्रु पक्ष स्वयं नतमस्तक होंगे, स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्टर्बिंग रहेगा थोड़ा सा। प्रेम की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से ही एक सही समय साबित होगा। सफेद वस्तु पास रखें। मिथुन राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय, जो खासकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में है उनके लिए बहुत अच्छा समय, लेखकों के लिए, कवियों के लिए अद्भुत समय। मानसिक चंचलता पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। प्रेम में भावुक होकर के कुछ तो मैं ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। काली जी को प्रणाम करते रहे। कर्क राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी संभव है। भौतिक सुख संपदा में वृद्धि, घरेलू सुख पूरा उपभोग करेंगे। स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर, प्रेम और व्यापार की स्थिति काफी अच्छी दिख रही। काली जी को प्रणाम करते रहे। सिंह राशि, पराक्रम रंग लाएगा। भाई बहन मित्रों का सहयोग होगा, जीवन साथी का सहयोग होगा और तरक्की करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम और संतान पक्ष थोड़ा अभी भी मध्यम बना हुआ है। बाकी की स्थिति आपकी बड़ी अच्छी है। काली जी को प्रणाम करते रहे। कन्या राशि, धनागमन होगा, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी, लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है। प्रेम और व्यापार की स्थिति भी काफी अच्छी है। काली जी को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, क्या कहने, सौंदर्य आकर्षण बढ़ा हुआ है, समाज में सराहे जा रहे हैं, आपका कद बढ़ रहा है, जिस चीज की जरूरत है उसकी उपलब्धता है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अद्भुत, बस थोड़ा खर्च परेशान कर रहा है आप। सफेद वस्तु पास रखें। वृश्चिक राशि, जीवन साथी से थोड़ी दूरी दिख रही है, अनावश्यक खर्चे। स्वास्थ्य मध्यम क्योंकि सरदर्द और नेत्र विकार संभव है। प्रेम और व्यापार भी थोड़ा थोड़ा मध्यम चल रहा है, एक दो दिन की बात है, ठीक हो जाएंगे आप। काली जी को प्रणाम करते रहे। धनु राशि, जीवन साथी तरक्की करता हुआ दिख रहा है, आर्थिक मामले सुलझ रहे हैं, यात्रा में लाभ और शुभ समाचार की प्राप्ति। बस स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। प्रेम, व्यापार, धन दौलत सब बहुत बढ़िया दिख रहा है। सफेद वस्तु का दान करें। मकर राशि, व्यापारिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो रही है। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित दिख रहा है लेकिन कोर्ट कचहरी, पैतृक स्थिति, व्यवसाय, व्यापार सब कुछ अद्भुत दिख रहा है। प्रेम की स्थिति भी बहुत अच्छी है।
सफेद वस्तु पास रखें। कुंभ राशि, जोखिम से उबर चुके हैं, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, भाग्य साथ देगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, प्रेम थोड़ा मध्यम है, संतान मध्यम है, व्यापार बहुत अच्छा है, हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, अचानक परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है, प्रेम संतान स्वास्थ्य तीनों प्रभावित दिख रहा है। काली जी के शरण में बने रहिए, उनको प्रणाम करते रहिए, सफेद वस्तु उनको अर्पित करिए, अच्छा होगा। नमस्कार।